गोरखपुर जिले में शनिवार को 212 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,912 हो गई है। 12,140 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1,563 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, शहर की बात करें तो 104 नए मरीज मिले हैं। इनमें गोरखनाथ और कैंट थाना क्षेत्र में शनिवार को सबसे अधिक 23-23 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा शाहपुर में 15, कोतवाली थाना क्षेत्र में 16, रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में 13, गुलरिया में 4, चिलवा ताल में 2, राजघाट में 7 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 72 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 9, पिपराइच में 6, पिपरौली में 3, सरदारनगर में 1, गोला में 19, सहजनवा में 6, उर्वा में 2, कैंपियरगंज में 2, कौड़ीराम में 2, बड़हलगंज में 6, गगहा में 4, पाली में 1, बांसगांव में 3, खजनी में 3, बेलघाट में 1, खोराबार में 4 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के 36 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।